मेरी मेरी जो सोच है वो ये है कि हम एक लार्जर आयुष डायमेंशन को एक्सप्लोर करें, और बीइंग ए डॉक्टर जी जी आप क्या उसमें रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपके दो रोल मैं उसमें देख रहा हूँ, एज ए डॉक्टर देख जी रहा हूँ और एज जी ए स्पिरिचुअल हीलर भी देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल मुझे बिल्कुल दो रोल जो है ना बोले डिस्टिंक्टली समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल स्पिरिचुअल हीलर का रोल बड़ा होगा, ठीक है ना। यस यस और आज के जो जी परिवेश में पूरे जी सिस्टम को जो है वो पॉल्यूट कर दिया गया है, यस यस तो उस बिल्कुल पॉल्यूशन के कारण जो है अभी स्थिति बहुत खराब है। देखिए यस मैं ये मान के यस चलता हूं कि आपके ऊपर जो है चारों तरफ से आपके संस्कृति के ऊपर, आपकी सोच पे, आपके विचार पे हमला किया जा रहा है, और जी इसमें जो है कहीं ना कहीं इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस इन्वॉल्व है, चाहे वो जो ना डी कंपनी इन्वॉल्व हो, चाहे यूरोप इन्वॉल्व हो, चाहे अमेरिका इन्वॉल्व हो। इट इज ए वेरी कैलकुलेटिव इनवेजिव अटेम्प्ट टू स्पॉइल यू। जी आप जिस तरीके से आप देखिए कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल अवेलेबल है, और जो जी टीवी सीरियल्स और फिल्में भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल के नजदीक चली जा रही हैं, ठीक है ना, जी और जी जिस विवशता से जो है ना गाने फिल्माए जाते हैं, जिस विवशता से जो है ना कम्युनिकेशन किया जा रहा है, वो कहीं ना जी कहीं डेवाउच करेक्टर के लोग जो है दे आर प्लेइंग ए क्रिटिकल रोल। बिल्कुल तो वो या तो जो है वो उनको जो कुछ भी वो लिख रहे हैं कर रहे हैं उसके लिए बहुत पैसा मिल रहा है, या फिर जो है वो अपने खुद के चरित्र को लिख रहे हैं। तो यदि बारीकी से भी हम उनके चरित्र में झांकने की कोशिश करेंगे तो एक चीज आप जरूर पाएंगे कि उनका खुद का चरित्र बहुत घटिया है। हाँ दे मस्ट बी लिविंग इन इलिसिट रिलेशनशिप, दे मस्ट बी लिविंग इन ए लिविंग रिलेशनशिप, चारों तरफ षड्यंत्र कंस्पिरेसी, और जी उसके अलावा उनका जीवन उसके जी अलावा कुछ रह नहीं गया है, और जी उसमें ड्रग का भी यूज करेंगे, अभी इतने सारे केस पुलिस ने पकड़े भी हैं। तो और ये दे हैव बिकम द सेलिब्रिटी, दे हैव बिकम द पर्सन, और वही जो है ना हमारे कल्चर को स्पॉइल कर रहा है। जी तो हाउ टू जो है ना प्रोवाइड ए काइंड ऑफ ए बेसिकली एक आयुष मॉडल। हमने सीएफबी को एक ब्रांड नेम बना दिया जो क्राइम फ्री भारत है, जिसकी हाँ जी फाइव समझ पांच गया स्ट्रेटेजी है कि बिना थाने जाए आपके एफआईआर दर्ज हो जाए, साधारण सा पुलिस ऑफिसर को बैकएंड सपोर्ट इतना टेक्नोलॉजी से किया जाए कि वो 100% केसेस को डिटेक्ट कर ले, जो इविडेंस कैप्चर हो वो सभी इविडेंस जो है ना इनफेलिबल हो और कोर्ट में एडमिसिबल हो, और 15 दिन में हम कोर्ट ट्रायल कंप्लीट कर पाए, और हम अधिकांश केसेस को रोक पाए, और फिर हम जो क्रिमिनल्स हैं उनको रिहेबिलिटेट कर पाए, इन पांच स्ट्रेटेजी के तहत। और बैलेंस इज बीइंग टिल्टेड इन फेवर ऑफ द पब्लिक। तो इविडेंस कैप्चरिंग जो है ना पुलिस से या किसी सरकारी डिपार्टमेंट से पब्लिक की तरफ उसको शिफ्ट किया जा रहा है, और उस कैप्चरिंग के लिए ही विल बी गेटिंग द 50% ऑफ द कंपाउंडेशन फीस, जो चालान होता है जिसका 50% पैसा उनको जाएगा, एंड दैट जी विल बी ए ह्यूज मनी। वो इतनी बड़ी मनी होगी सरकार के लिए कि सरकार चाहे तो टैक्सेशन खत्म कर दे, मतलब। तो इट इज ए डिफरेंट मॉडल एज ए सॉल्यूशन, राइट। तो मैं आपसे आपके थॉट प्रोसेस को उसमें कैप्चर करना चाहता था, एंड आई वाज जी रियली ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि क्या किसी तरीके की लार्जर पार्टनरशिप संभव है, जिससे कि हम लोगों को ज्ञान बांटने की बजाय अवेयरनेस बांटने की जगह उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट कर दें, एंड वी कैन मेक आवर भारत हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्परस एंड हैप्पी ऑल्सो। जी तो इस सोच में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता था, और नॉट ओनली वंस वी कैन हैव द सीरीज ऑफ द डिस्कशन। हाँ, नहीं जरूर से, नहीं वही मैं भी सोच रहा हूँ कि कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं। मेरे पास तो बहुत तो ही सॉलिड मॉडल्स हैं बेसिकली, जी जी और उन जी आयुष मॉडल्स को मैं कनेक्ट अपनी स्ट्रेंथ पे जमीन पे उतारना चाहता हूँ, इसलिए जो है ना मैं सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जो है ना ज्वाइंट वेंचर कर रहा हूँ। नहीं, समझ गया आपकी आपकी प्रवृत्ति बहुत उम्दा है, उसमें तो सवाल ही नहीं उठता है। तो जरूर से जितना भी जुड़ सकते हैं जुड़ेंगे ही, और सब लाइक माइंडेड पॉजिटिव पीपल ही साथ में आके काम कर सकते हैं, वो भी बात सही है। अभी एक दूसरी चीज की जब पॉइंट्स अपना डिस्कस करना चाहते हैं हम, तो मैंने जूम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स तो यूज किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम मुझे पहली बार यूज करना है, इसमें कुछ तो नहीं एक है, आध इसमें जो है ना यदि आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो
तो यदि आपका वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो आपको डाउनलोड करने के लिए कह देगा, राइट जी। और उसमें आपको इट इज एब्सोल्युटली जो है ना यूजर फ्रेंडली, आपको कोई उसमें दिक्कत ही नहीं होगी। नहीं वो समझ गया, तो ऐसा ही होगा। तो उसमें उसमें आप एक बार क्लिक करके अभी चाहें तो देख भी लीजिए, सो दैट वी कैन स्टेट वे जो है ना 5 मिनट इनफॉर्मल अपन चैट कर लेंगे। मैं अभी तो मैं केलनपुर में हूँ, शिबिर में हूँ, तो वहाँ पर मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अपन आपके शिविर में भी इस प्रोसेस के तहत आगे चल के जो है ना अपन वार्तालाप शिविर में भी कर सकते हैं, सो दैट वो जो बातचीत है वो दैट कैन रीच टू द लार्जर ऑडियंस आल्सो। नहीं नहीं वो करेंगे सर, अभी यहाँ इंटरनेट इतना पावरफुल नहीं मिलता है केलनपुर में, मुझे इंटरनेट की थोड़ी सी। लेकिन अपने मोदी सरकार तो कह रही है कि उसने पंचायत तक जो है ना फाइबर केबल पहुंचा दिया है। वो बात सही है, वो कोशिश जारी है, पर संभव स्टिल नहीं तो अपना ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया हो, अपने कनेक्शन ना लिया हो? नहीं ऐसा तो नहीं है सर, यदि यदि ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू लेट्स हैव ए कनेक्शन, आपका इतना सुंदर आश्रम है। मैं देखूंगा, 3-4 कनेक्शन ट्राई किए हुए थे यहाँ पर, ओके अभी भी है, बट आई जस्ट हैव अ री लुक एट। एंड जो आपने दूसरी बात कही, दूसरी बहुत अच्छी बात कही कि जो आपके जो जो डिलीवरेशंस होते हैं, जो सत्संग होते हैं 10 मिनट, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। जरूर विथ थोड़ा सा एक बार स्ट्रीमलाइन हमारा हो जाए ठीक है, आई लव मोर देन इट। वो तो हम भी आपको इनवाइट भी करेंगे, हम म्यूचुअली भी करेंगे, और ये तो मान लो केलनपुर में थोड़ा सा ऐसा, तो कई बार आई गो टू द बिगर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, कहीं कहीं कुदरत मुझे तक भी देती है बिगर प्लेटफॉर्म्स की, तो वो तो हमारी यात्रा सह यात्रा के रूप में चलेगी, वो कोई सवाल नहीं। जो भी लोगों के लिए कल्याणकारी है वो तो हम भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि लोगों का कल्याण हो, दादा भगवान भी वही चाहते थे कि लोगों का हर प्रकार से कल्याण हो। सो विल गेट एज द थिंग्स इवॉल्व आउट विल गेट गोइंग लाइक दैट, डजंट मैटर, मींस दैट विल सर्टनली हैपन, वो कोई सवाल नहीं है, करेंगे हम। और आज का जो है तो शाम को मैं घर जाऊंगा, मेरी सिक्स और सो थोड़ा सा फ्रेश होके, आपको इवनिंग में कब टाइम है? मे बी आप बताइए, आपकी सुविधा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8:30 और समथिंग, इज इट ओके? इट्स परफेक्टली फाइन, या तो फिर बोलो तो कल मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी। मेरे ख्याल से जो है ना वर्किंग डे में शायद आपका जो है ना, चूंकि डॉक्टर रिलेटेड जो है ना क्लिनिक रिलेटेड भी आपका पड़ जाता है, 9 बजे तक मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, 9 बजे क्लिनिक जाऊंगा, तो आइदर टुडे इवनिंग, इवनिंग को आज इवनिंग रखते हैं, 8:30 इवनिंग को रख लेते हैं। तो थोड़ा सा पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे मैंने सुबह उठ के पॉइंट्स भी डालने की कोशिश की है। ओह ग्रेट 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 ग्रेट, थिंकिंग माय ओन वे, क्योंकि क्या है कि जब ऐसे पब्लिक या तो टाइम सबका इन्वॉल्व होता है, तो आई फॉर वन फील कि मेरा भी थोड़ा सा चर्निंग हुआ है, तो सबका टाइम वेल यूटिलाइज हो, ऐसा नहीं कि तितर बितर हो। सो आई हैव ट्राइड इन द मॉर्निंग में उठ के, थोड़ा सा कोशिश मैंने इस बारे में किया भी है और थोड़े से और भी कर लेंगे। सो व्हेन वी मीट, आज शायद प्राइमरी होगा, व्हेन वी मीट नेक्स्ट विल मीट विथ मोर कॉन्क्रीट सॉर्ट ऑफ थिंग्स और आइडियाज कि ग्रेट मूवमेंट करना great, चाहते हैं, सो दैट मूवमेंट कैन बी टेकन टू द बिल्कुल 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 रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और तो जरूर से मैं भी चाहूंगा कि हम उस दिशा में करें, और देखो वो हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ इनफैक्ट इज नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, इट इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों बॉडी माइंड सोल तीनों इन्वॉल्व होते, उसी को हेल्थ बोलते हैं आज तो, इट इज वेल प्रूवन। सो विल टच अप ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, और जहां तक व्यक्ति का एटीट्यूड ठीक नहीं होता है वहां तक उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती है अदरवाइज। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, एक तो उसकी सोच दूषित हो रही है, उसमें दुष्टता आ रही है, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, दूसरों के लिए मौत के गड्ढा खोद के कैसे भी धन कमाना चाहते हैं, और केमिकल और हार्मोन्स और आर्टिफिशियल केमिकल से बनाई हुई चीजों की इतनी बॉम्बार्डिंग कर दी है कि अब जो है ना कैंसर की बहुतायात हो गई है। और ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है कि यदि 5 साल में हमने कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया, कोई
बहुत ही डिसाइसिव इंटरवेंशन नहीं किया, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर 3 व्यक्ति में से भारत के 2 व्यक्ति जो है वो कैंसर से सफर करेंगे, ऐसा मेरा ये मेरा प्रेडिक्शन है। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, योर इंट्यूशन इज करेक्ट। अभी एक ही चीज है कि उसको प्रैक्टिकल लेवल पर ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, साथ की एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं हमारे में। मैंने एविडेंस, मैंने थोड़ा सा रिसर्च, अभी अपन पहले मेडिकेशन पे नहीं जाएंगे, देखिए हम इस पे जाएंगे अलग। सुनिए मेडिकेशन पर नहीं जा रहा हूँ, इसका एक एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ कि कोई भी फैक्ट एविडेंस बेस्ड, मैंने उसका थोड़ा सा रिसर्च करके वी हैव टू प्रूव कि भाई ये हो रहा है और उसका सॉल्यूशन ये है। साइंटिफिक जहां तक हम थोड़ा बहुत कोरिलेट नहीं करते हैं वहां तक पब्लिक या तो ये लोग उसको मानेंगे नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जी, कि मैं तो ये सब प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ, सो आई ऑल्सो हैव टू स्टडी। तो ये तो प्रूवन हो चुका है कि एनिमल बेस्ड जो डाइट है उससे ये सब लोग रोग ज्यादा होते हैं, और प्लांट बेस्ड डाइट इज प्रोटेक्टिव, वो तो उन्हीं के साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट और पुरवार किया है, उसके स्टडीज है, काफी सारे स्टडीज है। सिमिलरली एस्पार्टम का भी एक स्टडीज आया है कि एस्पार्टम इज हार्मफुल, जो शुगर फ्री में आता है तो इज हार्मफुल। सो सिमिलरली वी हैव टू वर्क, आप जो बोलते हैं ना केमिकल्स, हॉर्मोन्स या जो कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें, अवर नेक्स्ट स्टेप में भी हाउ वी रियली फाइंड आउट द ट्रूथ, उसको एविडेंस बेस्ड कैसे करें, एंड देन वी इफ वी कैन पुट टू द पीपल एंड अलोंग विद द सॉल्यूशन कि भाई इसका सॉल्यूशन या तो अच्छा उपाय क्या हो सकता है, देन आई थिंक इट वर्क्स बेटर। एनीवे डॉक्टर साहब, एक पॉइंट आपने बहुत अच्छी बात की, एक पॉइंट जस्ट टू एड, आई वुड लाइक टू एड वन पॉइंट। क्राइम फ्री भारत का, चूंकि इसने बहुत सारे अब मॉड्यूल्स बना लिए हैं, एक क्राइम रिलेटेड मॉड्यूल है, फिर एक एग्रो रिलेटेड मॉड्यूल है जिसमें हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, राइट। और प्योर फार्मिंग का, हाँ हाँ हाँ, तो इसका जो है ना लार्ज स्केल पे ऑलमोस्ट कवरिंग होल कंट्री, मतलब बहुत ही मेगा स्केल पे हम इसको सोच रहे हैं, और उसको ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है ना हम उसको सोच रहे हैं। तो आई विल बी इन पोजिशन टू रियली एक्सप्लेन यू द होल थॉट्स बेसिकली, और जो बात कह रहे हैं इट इज बेसिकली एब्सोल्युटली फैक्ट ड्रिवन, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने इतना ज्यादा ओवर यूज ऑफ द केमिकल और पेस्टिसाइड का कर दिया है कि पंजाब में ढेर सारी कैंसर ट्रेन चल रही है जिनका नाम ही कैंसर ट्रेन है। मेरे ख्याल से जानकारी शायद आपको होगी क्योंकि आप पंजाब में भी जाते होंगे, तो वहां पे कैंसर की बहुतायात हो गई है, और जो हम विषाक्त केमिक जो है ना अन्न पैदा कर रहे हैं दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर इन ए वेरी बिग नंबर, नंबर वन। नंबर टू, हमारी मिट्टी जो है ना दूषित हो गई है, वो ऑलमोस्ट पॉइजनस हो गई है। नंबर तीन, ये जो केमिकल है इट हैज गॉन टू द अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो, तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी जो है ना पैलेटेबल नहीं रह गया है, पीने योग्य नहीं रह गया है। फिर चौथा इसका एलिमेंट है कि जो वहां पर, चूंकि ये सब पानी तो वही एवोपरेट हो रहा है, तो एडजॉइनिंग एरिए में एसिड रेन हो रही है, एडजॉइनिंग एरिया में एसिड रेन हो रही है। अब आप ये देखिए कि जैसे जो गाय जो दूध है, हमारा जो दूध का कंजम्पशन है, जितना दूध हम पैदा कर रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा दूध का कंजम्पशन है, तो 2/3 मिल्क कहाँ से आ रहा है, वो केमिकल ओरिजिन का है। अभी देवास में एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी जो कि शुद्ध घी की फैक्ट्री थी, और वहां एक घी का ट्रेस भी नहीं था, शुद्ध घी का ट्रेस भी नहीं था, मतलब पूरा पूरा शुद्ध घी जो है वो केमिकली बनाया जा रहा था, और लुक और फील में वो बिल्कुल शुद्ध घी जैसा था लेकिन शुद्ध घी नहीं था, राइट। तो समझ गया, राजकोट में भी अभी वैसा ही पकड़े गए हैं लोग, करेक्ट, और चीजों से एडल्टरेटेड मिल्क बना रहे थे। सो ये मामला में समझ गया, एडल्टरेटेड फूड एंड एडल्टरेटेड। अब आप ये भी देख लिए, अब थोड़े से लाभ के लिए हम लोग जो है ना गायों को भी हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, बकरियों को, भैंसों को, फलों को, सब्जियों को। हमारी दुष्टता जो है ना छोड़े से धन के लिए जो, और वो धन ऐसा धन है जो कि आपके साथ भी नहीं जाने वाला है ना, बिल्कुल बिल्कुल।
तो हम एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो जिसका कोई महत्व ही नहीं है, और वो हम लोगों ने क्रिएट की, धन जो है ना यीशु ने क्रिएट नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें एक रिसर्च हुई है कि यदि केमिकली मेड चीजों को खाएंगे तो 84 साल तक लगातार खाया जाएगा तो 87% लोग जो है ना वो कैंसर से साकार होंगे, ऐसा उस रिसर्च की फाइंडिंग है। बिल्कुल। तो उसी के आधार पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इन चारों पांचों तरीके के जो केमिकल्स की ओवरडोज हो रही है, खेत में हो रही है, जो हम हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं उसमें हो रही है, हमारे बाथरूम में और हमारे किचन में भी केमिकल्स का बहुत यूज हो रहा है, और जो है इवन जो हम मेडिसिन भी दे रहे हैं सो कॉल्ड एलोपैथी, उसमें बहुत सारा अनवांटेड सिर्फ जो है ना पैसे कमाने की दृष्टि से ऐसा मेडिकेशन दिया जा रहा है दैट इज नॉट इविडेंस बेस्ड, दैट इज नॉट द नीड बेस्ड, राइट। जो आप कह रहे हैं इविडेंस बेस्ड हम मेडिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉफिट बेस्ड और प्रॉफिट बेस्ड जो है ना मेडिकेशन कर रहे हैं। हाँ, हमें धन ज्यादा मिल सकता है, हम वो ऑपरेशनल प्रक्रियाओं को भी अपना रहे हैं और उसी तरीके की हम दवाइयां भी दे रहे हैं, और यही कारण है कि कोरोना में चार चार तरीके के जो है ना एंटीबायोटिक दिए गए, जो वायरस एंटीबायोटिक से मर ही नहीं सकता है, वहां इतने खतरनाक ओवरडोज में केमिकल्स क्यों दिए गए हैं। आप डॉक्टर हैं तो आप मेरी बात को मेरे ख्याल से समझ सकते हैं जो मैं बिल्कुल आपकी बात भी समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ और करेंगे उसके ऊपर जरूर से। और मुझे एक चीज ये भी लगती है कि देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस हो सरकार हो, ये कहीं ना कहीं इन कंपनियों के और इन फोर्सेस के दबाव में आ गई हैं, और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो 42% तो खुद ही क्रिमिनल्स हैं। अभी जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है उसमें 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर हैविंग द क्रिमिनल रिकॉर्ड एज पर देयर ऑन एडमिशन विच हैज बीन सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन। तो और इसमें से डॉक्टर साहब 29% इसमें तो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके विरुद्ध मर्डर, रेप, किडनैपिंग जैसे बहुत ही गंभीर अपराध जो ना है। एक बात मैं आपसे फ्रेंडली करूं, तो मैं खुद जो हूं मुझे ऐसा नजर आता है अभी कि रादर देन वी हैव टू नो द डार्कनेस बट रादर देन कर्सिंग द डार्कनेस या रादर देन स्पेंडिंग अवर एनर्जी टू एक्सपेल वी विल फोकस अवर एनर्जी ऑन स्प्रेडिंग द लाइट। मैं उसी बात पे बात कह रहा हूँ, चूंकि जो है ना दूसरी साइड डार्कर है तो अब ये जिम्मेवारी हमें जो सामान्य जिम्मेवारियों से ज्यादा जिम्मेवारी से निभाना पड़ेगा, क्योंकि जो जिम्मेवारी सरकार को निभाना चाहिए थी, जो राजनेताओं को निभाना चाहिए थी, वो उनके जो है ना चूंकि चरित्र में जो वैक्यूम आ गया है तो उस वैक्यूम को भी हम फिल करें। नहीं, जरूर से करेंगे। तो दो तीन तो ऐसे भी मेरे भी सोच में काफी कुछ समय से था, अभी हो सकता है नेचर अपने को मिला रही है, कुछ उसके पीछे भी पर्पस होगा। सो जैसे आपने बोला ना, उसका एक आंसर है मोरालिटी और सिंसियरिटी, मैंने वो जो स्पिरिचुअल या तो मेंटल एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन ऑफ द करेक्ट थिंग्स, जो भी रिसर्च बेस्ड करेक्ट या लोगों को गाइडेंस की, फिर उसमें से तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह काफी चीजें आएगी, जैसे आज योग की ट्रेनिंग या तो योग मेंशन में आ गया, मेडिटेशन भी आया कुछ हद तक। तो सो वन और तीसरी चीज तो उसमें सब कुछ चीजें आती हैं कि आज लोगों के पास करेक्ट माहिती नहीं है। साहब एक जनसमुदाय की बात करें हम, तो जनसमुदाय के पास बेचारे के पास स्पेशली हेल्थ रिलेटेड या आयुष रिलेटेड इंफॉर्मेशन करेक्ट है ही नहीं उनके पास। मैं स्वामी जी एक प्रार्थना करूं जी। CFB ने एक शपथ खाई है कि वो नॉलेज और अवेयरनेस को नहीं बांटेगा, उसको प्रोडक्ट और CFB जो जिस संस्था को मैं हेड कर रहा हूँ उसका नाम पूरा है क्राइम फ्री भारत, राइट। तो उस क्राइम फ्री भारत संस्था का मैं नेशनल और ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ, और हमने ये कसम खाई है कि हम नॉलेज और अवेयरनेस नहीं बांटेंगे, और वो इसलिए नहीं बांटेंगे क्योंकि अधिकांश लोग जो है या तो वो फ्लैट पात्र हैं,
या वो महापात्र हैं तो उनमें इतना ज्यादा ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है कि उन्हें आपके ज्ञान की ना तो जरूरत है ना ही वो उसे असिमुलेट करना चाहते हैं, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जरूर अपनी एनर्जी का यूज करेंगे। तो हमारा इसमें ये सोचना है कि जिसको ज्ञान देना है उसका ज्ञान मत दो, उसको स्किल डेवलपमेंट करो और इस पूरी चीज को प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करके जन सामान्य को उपलब्ध करा दो। एग्रीड परफेक्टली फाइन। मैं उसी पॉइंट मैंने लिखा ही है कि ट्रेन द ट्रेनर्स, ट्रेनर्स लोगों को ट्रेन करके स्किल जो आप बोलते हैं जो भी जब आप चर्चा करेंगे तो आपको ये लगेगा कि देखिए मुझे जो है ना ऐसा लग रहा है कि कोई कॉस्मिक शक्ति ये सब मुझसे करा रही है। जी, और मेरे ख्याल से वही कॉस्मिक शक्ति जो ना मुझे प्रेरणा दे रही देती है कि इनसे बात करो। तो मुझे याद आया कि स्वामी जी से बात करना चाहिए, डॉक्टर मेहता से बात करना चाहिए और आनंद है ना। और आपने उस समय समय निकाला आपकी सोर्स और उसको एक दो हमको आपसे इंटरेक्शन करने का मौके मिले तो मुझे लगा कि इस यात्रा में आप हमारे हम सफर होंगे। नहीं जरूर से करें, जरूर से है ना। तो चलिए रात को 8:30 अपन बात करते हैं। जरूर है ना। जरूर जी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रणाम और आपकी प्रवृत्तियों को बहुत बहुत अनुमोदन। मैंने जी जी थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ और आभारी का सवाल नहीं साहब, आप जो कर रहे हैं उसमें मेरा बहुत दिल से अनुमोदन है और जितना भी हम साथ में भी करेंगे जरूर। चलिए चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।